गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज फिर से मैं अपनी गाड़ी में हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हाँ मेरे लिए आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मीन्स आज की तो नहीं, रिसेंटली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि मैं बन गई हूँ बड़ी मम्मी। ओके, और अश्विनी बन गए हैं बड़े पापा। तो अभी तक मम्मी पापा तो नहीं बन पाए हैं, बट बड़े मम्मी बड़े पापा जरूर बन गए हैं और प्रमोशन हो गया है और बेबी और उसकी मम्मी दोनों हेल्दी वेल्दी हैं। कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलाऊंगी उससे भी, छोटे से बाबू से। और डाइटिशियन से कंसल्टेशन हुआ, मैं कल ही गई थी उन्हें दिखाने के लिए, और उन्हें जब मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रोग्रेस इज़ गुड बट स्टिल थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैंने बताया था ना अपने लास्ट वीडियो में भी कि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया मम्मी की तबीयत और मम्मी के हॉस्पिटलाइज होने के कारण। तो इस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें, मेरी वॉक है या डाइट है, थोड़ी मिस हो गई थी, तो थोड़ा स्लो हो गई प्रोग्रेस, बट स्टिल इट वॉज गुड। मीन्स एवरेज अगर बात करें तो 6 kgs एवरेज इन अ मंथ आई एम रिड्यूसिंग, 6 kgs अप्रॉक्स। ओके, सो मोर देन 18 kgs रिड्यूस हो चुका है अभी तक। फीलिंग सो लाइट, एनर्जेटिक, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है जब कपड़े लूज़ हो रहे हैं। बट सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है कि आपको सबसे जो मतलब चीज़ परेशान करती है, स्पेशली फीमेल होने के बावजूद, कि भैया अब आपके कपड़े सारे जो हैं वो लूज़ होते जा रहे हैं, और अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो फिर क्या होगा। ठीक है, और पार्टी में जाने के लिए आपको जब ड्रेस निकालते हो और आप ट्राई करते हो और सडनली यू रियलाइज़ कि भैया ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं से मांग के लाए हैं, है ना, ऐसा वाला फीलिंग आता है पहनने के बाद, वो बहुत ही बुरा होता है। मेरे साथ हो चुका है, अभी एक फंक्शन में मैं जा रही थी तब भी ऐसा हुआ मेरे साथ, बट थैंक्स टू विंटर्स कि अभी स्वेटर कोट वगैरह पहनने से ना वो उसको मैं कवर हो जाती हूँ वो चीज़ और चल जाता है। बट क्या है ना कि अभी मैं फिटिंग कराने के लिए इसलिए फेवर में नहीं थी कि अभी और वेट रिड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस वेट रिड्यूस हो रहा है मेरा, तो अभी मैं क्यों करवाऊँ फिटिंग। अगर अभी फिटिंग करवाती हूँ तो फिर वही वाला इशू आने वाला है कि फिर मुझे वापस से अभी महीने दो महीने में फिर फिटिंग करानी होगी, तो वाई शुड आई डू दैट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अभी जब तक विंटर्स हैं तब तक तो थोड़ा लूज़ को एक ऐसे तरीके से एडजस्ट करके पहन लेते हैं, और फिर बाद में देखेंगे जब उसमें फ़िटिंग की ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से फिटिंग करा लेंगे समर्स आने से पहले। और जल्दी आपको सरप्राइज़ दूंगी, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ होता है ना वो सुनाने वाली हूँ, बट अभी नहीं सुनाऊँगी और जल्दी सुनाऊँगी वो भी। ओ पता है कपड़े के बारे में सोच सोच के मेरा तो बहुत ही दिमाग ख़राब है। आज भी मुझे एक फंक्शन में जाना है एंड आई डोंट नो व्हाट टू वेयर। आई होप कि कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं पहन पाऊँ। सारे कपड़े चलो ट्रेडिशनल्स हैं, एथनिक हैं, पार्टी वेयर हैं, कैजुअल्स हैं, फॉर्मल्स हैं, सब के सब ढीले हो गए। बहुत बहुत वाली बड़ी वाली प्रॉब्लम है मेरे लिए। और पता है क्या होता है कि ना अभी आप कितना अभी कपड़ा ख़रीदने का भी कोई मतलब नहीं होता कि चलो आज फंक्शन है तो मैं आज कुछ परचेज़ कर लूँ आज के पहनने के लिए, बट वो भी मुझे नहीं सही लगता क्योंकि अभी वही सेम चीज़ होने वाला है। मैं अभी जिस साइज़ का ख़रीदूँगी फिर वो दो महीने बाद वो भी लूज़ हो जाएगा और उसको भी ख़रीदने का कोई मतलब नहीं लगता है मुझे। तो इसलिए अभी क्या हो गया ना कि अश्विनी ने भी मुझ पर बैन लगा दिया और मैंने खुद ने भी लगा लिया है कि अभी मैं कोई भी कपड़े जो है वो परचेज़ नहीं करूँगी, कोई शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ कपड़ों को लेकर, बिकॉज़ अभी साइज़ जो है घट बढ़ रहा है। क्या मतलब है अभी से इतने सारे कपड़े खरीद के इकट्ठे कर लेना, और वेस्टेज ऑफ मनी भी है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वैसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, बट मैं हाँ न्यू ख़रीदने के फेवर में तो अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ। ठीक है, और रही बात डाइट की,
तो जो मैं बता रही थी आपको कि मैं कल अपने डाइटिशियन से मिली थी, उनसे कंसल्ट किया था, तो मेरे जो डाइटिशियन हैं उन्होंने मुझे बोला कि मेरा डाइट अभी वैसे ठीक चल रहा है, बट स्टिल अभी भी मैं गेहूँ की रोटी नहीं खा सकती हूँ। गेहूँ की रोटी नहीं खाने का मतलब ये है कि मैं बाजरे की रोटी खा सकती हूँ, मैं बेजड़ की रोटी खा सकती हूँ, ठीक है, और बट मक्के की रोटी भी मैं नहीं खा सकती हूँ, बिकॉज ही सेड कि वो भी होल ग्रेन ही है, तो आपको मक्के की रोटी भी नहीं खानी, अवॉइडेड। तो इसलिए मैंने अभी अपने रूटीन में जो है मैं बाजरे की रोटी लेके आ गई हूँ। और मैंने अभी क्या किया है ना कि मैं एक टाइम जो है बाजरे की रोटी प्रेफर करती हूँ, और एक टाइम पे मैं कुछ ऐसा जैसे मॉर्निंग में मैं उपमा है या फिर मैं कुछ वही दलिया जो जौ का दलिया वेजिटेबल दलिया बनाती हूँ वो, या फिर अभी मैंने कुछ और न्यू रेसिपीज सीखी हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी जब मैं बनाऊँगी, तो वो सोचा है, तो इस हिसाब से मैं चल रही हूँ। अभी देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डाइट जो है ना उसका तो रोल है ही, डेफिनेटली आपको सबको पता है कि 80% आपकी डाइट होती है और 20% जो है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है, कि आपने वॉक कितना किया है, आपने आप कितना जो है मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है, वो भी 20% समवेयर कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बोला भी गया है कि आपको अपना फिजिकल जो वर्कआउट है वो बढ़ाना होगा, तभी आप ज़्यादा अच्छे से और वेट रिड्यूस कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे बोला गया है कि मैं जिम ज्वाइन करूं और मैं कार्डियो जो है कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं वो मैं शुरू कर दूं, बिकॉज आई वांट टू लूज़ माय वेट। तो कार्डियो शुरू करना है मुझे, बट मैंने अभी क्या सोचा है कि मैं जिम नहीं ज्वाइन करूंगी, बिकॉज मैंने था ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी जल्दी ही आप लोगों को, तो अभी मैं जिम नहीं ज्वाइन कर रही हूं, और मैं अभी घर पे ही कार्डियो सेशन जो है वो शुरू करूंगी। अश्विनी मुझे कार्डियो जो है वो बता देंगे और मैं उसके हिसाब से अपना जो है सेशन स्टार्ट करूँगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ओवरऑल मुझे अपना फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर काम करना है। वैसे मैं देखा जाए तो बहुत तो काम करती हूँ, घर के काम और ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ हो जाती है, मतलब नॉर्मल रूटीन में है ही मेरे, बट उनका ये कहना था कि ये सब तो है ही, बट उसके साथ में आपको अभी एक्सरसाइज शुरू करनी ही होगी, मीन्स आपको कार्डियो तो शुरू करना ही होगा। ठीक है, ओके, आई विल डू दैट। और आज आपको पता है क्या हुआ है, आज मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो गई, तो अभी तो कार्डियो शुरू भी नहीं किया है, अब तो शुरू करूँगी तब पता नहीं क्या होगा, बट अभी तो हाल फिलहाल मैं आज तो लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी थी, आज मॉर्निंग सैटरडे अलग है, तो आज थोड़ा तो लेट हो गई हूँ। एक तो ठंड इतनी हो रही है यहाँ जयपुर में कि कोई हद ही नहीं है, मतलब उसकी तो। हाँ, मॉर्निंग में मैंने जब टेम्परेचर देखा था तो इट वॉज 7 degrees, और अभी तो फिर भी धूप अच्छी सी धूप निकल गई है, तो अभी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो सर्जरी के बाद में ना मैं बहुत खुश हूँ, उसका रीज़न कि जब मेरा जब वे मशीन पर जब आपको दिखता है ना, एक एक किलो कम हो रहा है, एक एक फिगर जब कम होता हुआ दिखाई देता है ना, तो यू विल फील गुड, डेफिनेटली यू यूजुअली फील गुड, बिकॉज क्या होता है कि मैं इतने टाइम से, मतलब काफ़ी साल हो गए मुझे, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी वेट रिड्यूस करने के लिए, बट मेरा नहीं हो पा रहा था ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजंस, बट अभी एटलीस्ट कम से कम मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने, ठीक है, मेरा डिसीजन सही था, और जो मैंने और अश्विनी ने डिसाइड किया था, और मेरा डिसीजन मुझे बहुत सही लगता है कि मैंने करवाया, क्योंकि लोग जनरली हेजिटेट होते हैं, बट ये जो ब्लॉगिंग मैंने शुरू की वो इसी कारण से, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे अपने बारे में ही बताना है, बट ये ज़रूर कि अगर किसी को ज़रूरत हो मोटिवेट, सॉरी फ़ोन आ गया था बीच में, तो इस कारण से डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ, जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ या गाड़ी में बनाती हूँ तो मैं फ़ोन से ही बनाना प्रेफर करती हूँ, तो कॉल आ गया था बीच में। तो एक्चुअल में क्या है ना कि जो मैं बता रही थी आपको, कि लोग क्या है कि बहुत ही मतलब घबरा जाते हैं सर्जरी के नाम से और सोचते क्या होगा ये होगा। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग का महीना भर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि आपको लिक्विड पर रहना है, नारियल पानी, नींबू पानी, पानी सिर्फ इन पर आपको रहना है, बट मैं आपको सच बताऊँ आपको भूख लगेगी भी नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है, और थोड़ी बहुत लगेगी तो आप जैसे ही थोड़ा सा नारियल पानी या नींबू पानी पियोगे ना, यू विल फील कि भैया हाँ अभी पेट भर गया एकदम से, तो वो आपको लगेगा ही नहीं, और कैसे और समय जाएगा ना पता नहीं चलेगा।
हाँ थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, मेरे लिए भी हुआ था जब लोग मेरे सामने बैठ के खाना खाते थे तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट धीरे 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 जो है वो आदत हो गई और अब तो क्या हो गया है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो चीज़ें नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ गई है। बट हाँ हेल्दी चीज़ें खानी है, हेल्दी मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपको एक बेसिक जो रूटीन होता है ना वो आपको प्रॉपर अपना फिक्स रखना होगा, जैसे वॉक है आपकी, एक्सरसाइज है, आपका डाइट है। तो डाइटिशियन कंसल्टेशन जो है वो तो आपका लंबा समय तक चलना है जब तक कि आपका पूरा वेट रिड्यूस नहीं होता। गड्ढा आ गया बीच में और गाड़ी हुई इधर उधर इसलिए कैमरा भी हुआ इधर उधर। तो ऐसा है, मज़ा आ रहा है पता है सर्जरी के बाद, फीलिंग सो लाइट। कभी कभार मैं चीटिंग भी कर लेती हूँ, पता है क्या आपको, मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा ना मैं डिनर पे गई थी बाहर और मैंने खाया था वाइट पास्ता। आई लव दैट, मेरी फेवरेट डिश है, मुझे बहुत पसंद है और क्रिस्पी कॉर्न भी मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने तो बहुत मज़े से खाया, बट हाँ डेफिनेटली क्वांटिटी तो जितना मेरी रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है उतना ही, उससे ज़्यादा तो मैं खा ही नहीं सकती, बट मैंने बहुत मज़े लेके खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 महीने बाद ऐसा लग रहा था कि वाओ कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, हाँ बहुत मज़ा आया और बहुत यमी डिलीशियस भी था। एक्चुअली मैंने अश्विनी को बोला 1 महीने में एक बार तो चीट डे बनाने दिया करो, क्योंकि यार एक दिन तो चीट डे चलता है ना कि अपन कुछ खाना चाहते हैं तो खा ले उस दिन, क्योंकि फिर मन में असर जाता रही यार काश अपन खा पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने उस दिन जो है वो वाइट पास्ता विद क्रिस्पी कॉर्न खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं कब नेक्स्ट टाइम मुझे नसीब होता है ये सब चीज़ें खाने के लिए, बट स्टिल अभी वेट रिडक्शन करना है मुझे, अंडर 100 आना है और इस महीने का टारगेट है मेरा अंडर 100 आने का, और उसके लिए मुझे थोड़ा तो अपने आप को बकअप करना ही होगा, अगर वो नहीं करूँगी तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी एंड गो फॉर द बेस्ट, और मुझे आप लोग मोटिवेट करते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके कि भैया लगे रहो, आप लोगों के कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं कि नहीं मुझे करना है, और दूसरे लोगों के लिए कि इंस्पिरेशन भी बनना है कि नहीं अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, भले ही वो सर्जरी के थ्रू है लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि देखो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब मज़े के लिए आप सर्जरी करवा लेते हो कि आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है या कुछ ऐसा, इट्स नॉट राइट एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ बोला क्यों करवाई सर्जरी, क्या मतलब था, ये था वो था, यार क्या तुम लोगों को नहीं पता है मेरे को क्या इश्यूज़ हैं। तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, बट डोंट गो फॉर ज्ञान, ओके, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और ये सोचो कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, ठीक है ना। और जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात है, मैंने आपको बताया था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अजमेर में डॉक्टर शिव कुमार गुनकर सर से मिल सकते हैं और उनसे भी आप बात करके जो है अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पर आपके खर्चे भी ज़्यादा नहीं होते हैं और बहुत ही इकोनॉमिक रेट में आप फ्री हो जाते हो, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 लाख 2.5 लाख ऐसा मांगते हैं। तो बेटर है कि आप उसके लिए भी सोच सकते हैं। तो जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ फर्स्ट कि भैया मेरे को खुद को एक मोटिवेशन की जो ज़रूरत जो हमें सेल्फ के लिए होती है ना, सेल्फ मोटिवेशन वो हमें खुद को ही देना होता है, कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता है, ये हमें समझना होगा। तो आपको भी वो मोटिवेशन जो है अपने अंदर लाना होगा, अगर आप कभी भी ऐसा सोच रहे हो कि आपका वेट ज़्यादा है और आपके साथ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं कि आप जिम नहीं कर सकते हो, देन गो फॉर सर्जरी, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन है, आप जितना यंग एज में भी करवाओगे ना तो उतना बल्कि आपके लिए आगे की लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, और जितना ही आप ओल्ड एज में जाके करवाते हो तो डेफिनेटली लाइफ ईजी होती है, बट वो जो रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है यंग एज में जो हमारी स्किन है ना वो इतनी लूज़ नहीं होगी वेट के साथ में, और वो धीरे धीरे अपना अपनी जगह ले लेती है, बट जब हम जब ज़्यादा एज में जब ये सर्जरी करवाते हैं तो क्या होता है स्किन लूज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उस टाइम पर वो आपके एज को और ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिखाती है, मतलब और ज़्यादा दिखती है आपकी एज अगर जब स्किन लूज़ होती है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ माई सजेशन, जस्ट थिंक ओवर इट, अगर आप सोच रहे हो सर्जरी के लिए तो गो फॉर इट, बिकॉज उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है हमारे लिए कि हम जो है मतलब कि हर सर्जरी पूरी होती है या कुछ, ये जो सर्जरी है इसे कॉस्मेटिक सर्जरी में रखा गया है क्योंकि ये एक्चुअल में आपके बॉडी को जो है वो शेप में लाने का काम करती है ना। तो
इसके कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं है। हाँ मेरे को थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो इस कारण से क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अभी ऊपर नीचे हो रही हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस कारण से और इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हेयर फॉल हमें नॉर्मली भी हो जाता है, तो और अभी तो वैसे भी वेदर जब चेंज होता है तो ये तब भी होता है। तो बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, उसमें भी था कि इसके साइड इफेक्ट्स में हेयर फॉल एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशियस रहो। तो जैसे मैं भी एक आयुर्वेदिक ऑयल है उसको यूज़ कर रही हूँ अभी अपने हेयर फॉल के लिए, तो आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। ओके तो इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और बस मस्त रहो, ठीक है। अभी आज के लिए तो इतना ही, बाकी शाम को फंक्शन में जाना है, देखते हैं शाम को क्या होता है, ठीक है, बाय बाय। आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की फेमस बाजरे की रोटी। आप देख सकते हैं कि मैंने बाजरे का आटा लगाया हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो मैंने बाजरे का आटा लगाया और उसको ऐसे अच्छे से रोल करके हल्का सा फ्लैट कर लिया, और ये रहा बाजरे का सूखा आटा जिसमें हम लोग उसको थोड़ा सा जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। अब लोग तो इसको हाथों से भी बनाते हैं, बट मैं इसको बेलन से बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको उसको बेलना हो, तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल रही हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से बेल रही है और घूम भी रही है, बहुत ज़्यादा हमें पतली नहीं करनी है, चाहे तो इसको ऐसे किनारे से थोड़ा सा गोल कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से शेप ले ले। तो आप देख सकते हो, लुक एट दिस, है ना, मस्त गोल गोल चपाती। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिकती है, और मैं पता है लोहे के तवे पर नहीं सेकती हूँ, मैं सेकती हूँ मिट्टी के तवे पर। तो मैं बताऊंगी अब आपको कि कैसे बनता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो मैंने इसको बेल लिया है और अब इसको हम धीरे से अपने हाथ पर ले लेंगे। ये देखिए, ये है प्री हीटेड मिट्टी का तवा जिस पर मैंने इसको डाल दिया है। बाजरे की रोटी की खासियत ये होती है कि एक तो ये बहुत हेल्दी रोटी है, और क्योंकि मुझे डाइट में गेहूँ बना है, मुझे कहा गया है कि बाजरे और मक्की की रोटी आपको खानी चाहिए, मक्की की भी नहीं इवन बाजरे की। तो आप देख सकते हो, पहले इसमें हमारे को थोड़ा सा ना इसे पानी लगाना होता है, ताकि अगर इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर से क्या ये नरम हो जाती है और अच्छी सिकती है, बहुत अच्छी सिकती है, इसलिए इसके ऊपर हल्का सा ऐसे पानी लगा दिया जाता है ताकि ये अच्छे से बन जाए। आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें हल्का सा छेद हो गया, तो हो सकता है फूले ना, बट फूलना इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मिट्टी के तवे पर बाजरे की रोटी अभी ये सिक रही है, उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं जब तक हम दूसरी चपाती बेल लेते हैं। ओके तो अब ये सिक गई है, उसका इसकी पहचान ये है कि अपने आप तवे को छोड़ देगी। इसको पलट देते हैं और इसको जो इसमें एयर बनी है उसको हम निकाल देते हैं और वेट करते हैं कि अच्छे से सिक जाए, ठीक है, क्योंकि बाजरे की रोटी का सिकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से सिकेगी, एक तो इसमें क्रंचीनेस आ जाएगी, दूसरा एक कच्ची नहीं रहेगी तो आपको नुकसान नहीं करेगी। और मिट्टी के तवे पर बनाने का इसलिए मज़ा है क्योंकि मिट्टी के तवे पर इसमें जो एक्चुअल ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो, ठीक है। तो अभी ये सिक रही है, फिर देखते हैं इसको, और हम वापस से फिर गैस पर सेकेंगे अच्छे से, और एक बार इसको सिक जाने देते हैं। अब ये दूसरी साइड से भी सिक गई है, और उसका उसका भी सेम वही है कि अपने आप तवे को छोड़ दिया, देखिए तवे को इसने छोड़ दिया है, कैसे भी चिपकी हुई नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली गैस पर सेकेंगे। ओके वैसे तो ये रोटी फूल भी जाती है, हो सकता है आपसे टूट भी जाए थोड़ा बनाते हुए, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, हो सकता है थोड़ी सी पानी की कमी हो जिस कारण से वो टूट जाए, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फूलती है नहीं फूलती उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसकी सिकाई जो है ना वो अच्छे से करिए, बिकॉज आप जब सिकाई अच्छे करोगे ना तो ये इसका खाने का टेस्ट ही कुछ अलग आएगा एंड नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए मैं कैसा ब्राउननेस इसको जो है अच्छे से सेक रही हूँ, इसको गैस पर हमें अच्छे से सेकना है और इसको पलटते रहिए कंटिन्यूसली ताकि ये जले नहीं, और इसको ऐसा ब्राउनिश बिल्कुल बिस्किट के जैसा हमें सेक लेना है। अब आप देख सकते हो ये प्रॉपर जो है वो दोनों तरफ से सिक गई है, ठीक है, देखो ये पूरे अच्छे से ब्राउनिश जो है वो सिक चुकी है, तो इसका मतलब अब ये रेडी है खाने के लिए। अब इसको हम या तो अलूनिया मक्खन होता है उसे खा सकते हैं, अमूल बटर के पास होता है उसको लगा के खा सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास है घर का बना हुआ घी तो उसको मैं लगाऊंगी, और वो भी देखिए कि इसमें कैसे लगाया जाता है। कर दो बंद।